हेलो फ्रेंड्स, ए बर्थडे स्पेशल खीर, एक्चुअली बंगाल स्पेशल राइस खीर। रात 12 बजे वेस्टर्न स्टाइल में केक कटिंग सेरेमनी, मॉर्निंग में ट्रेडिशनल वे में बर्थडे सेलिब्रेशन, उसके बाद रेस्टोरेंट। अभी रात 12 बजे पापा को नींद से उठाया गया है, उठा के बेटी पापा को सरप्राइज दे रहा है। एक घर को बहुत सुंदर से सजाया है, कैसे सजाया है आप देखिए, अपने हाथों से पापा के लिए सजाया है ये छोटी सी बच्ची ने। फिर ये रोज़ का बुके दिया है पापा को, पापा का सबसे फेवरेट फ्लावर, और पापा का सबसे फेवरेट केक रेड वेलवेट केक ऑनलाइन से ऑर्डर किया है IGP से। आजकल जो केक देता है बहुत सॉफ्ट होता है, काट करने का बाद उसको पिक करने में होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी अच्छा से आराम से उसको होल्ड करके फिर बेटी को खिलाएगी, फिर फैमिली सब मेंबर को खिला के तब बर्थडे पापा को केक खिलाया जाएगा। ऐसे ही हुआ है, अभी वेट कर रहे हैं। गिफ्ट भी दिया गया है, बेटी पापा को गिफ्ट दिया है। एक छोटी सी बच्ची ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है हम लोग किसी को पता नहीं है क्या है इसमें। हम लोग सब वेट कर रहे हैं, एक गिफ्ट अनरैप करने का इंतजार कर रहे हैं, इसमें क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। सब एक्साइटेड देखने के लिए क्या हो सकता है इसमें, ये छोटी सी बच्ची ने क्या दे सकता है इसमें, बट वो कुछ भी कर सकते हो, ऐसे ही बच्ची है। एक पापा का सबसे फेवरेट प्रिंसेस है। ओह माय गॉड, मोबाइल हम लोग तो सोच भी नहीं सकते छोटी सी बात पापा को कैसे दे सकते हैं। ओह माय गॉड, पापा तो एकदम खुश हो गया, पानी आ गया, इतने खुश हुआ है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओह माय गॉड, अभी मॉर्निंग हो गया है, बर्थडे का दिन, उसमें खीर कैसे बनाया है वो हम बताएंगे। ये स्पेशल खीर है बर्थडे के लिए, गोविंदभोग राइस बंगाल स्टाइल में खीर बनाया जाता है, गोविंदभोग राइस से खीर बनाया जाता है। एक कप राइस एंड 2 to 3 liters मिल्क से खीर बनाया जाता है। पहले राइस को धो के उसमें काऊ घी थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करके रखने का बाद उसमें 2 soup spoon बा 2 tablespoon हॉट मिल्क मिला के उसको सोक करके साइड में रखा जाता है। ड्राई फ्रूट्स को काट लिया जाता है, काटना कंप्लीट क्रश कर लिया। बेलीव्स है, कार्डामम पाउडर है, कार्डामम को अनपिल करके देना अच्छा है क्योंकि जब आप खीर खाते हो तो मुंह में चला जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बेलीव्स को घी से थोड़ा सा फ्राई किया है, उसके बाद 2 liters दूध ऐड किया जाएगा, उसको अच्छे से बॉयल होना है। बॉयल होते होते सेम में गैस फ्लेम को रखना है। 1 liter जब हो जाएगा तब वो राइस को डाला जाएगा उसमें, अभी ड्राई फ्रूट्स या शुगर कुछ भी नहीं डाला जाएगा। दूध का मिल्क का जो कलर है आप देख रहे हैं, इतना टाइम से बॉयल हो रहा है तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है। तो यही बंगाल स्पेशल खीर का माने मेन इम्पॉर्टेंट एरोमा होता है इसका। अब देखिए 2 tablespoon दूध से राइस को सोक कर दिया, अभी मिल्क अभी भी बॉयल हो रहा है और थिक होने जा रहा है। ऐसे 50% जैसे ही थिक हो जाता है तब राइस को डाल देंगे। राइस को भी थोड़ा सा बॉयल होना है, एक ज़्यादा एकदम सॉफ्ट नहीं होने देंगे, हल्का सा मीडियम है। 70% बॉयल करेंगे तो वो खाने में बहुत मज़ा आता है। और 2 bay leaves अभी ऐड किया है स्टार्टिंग में, और 2 bay leaves ऐड करेंगे, और कार्डामम पाउडर और बे लीव्स का जो फ्लेवर एरोमा एब्सोल्यूटली अमेजिंग होता है। ये राइस का खीर बंगाल स्पेशल होता है, दूसरा किसी भी स्टेट में इस टाइप का राइस का खीर हमको नहीं मिला। बहुत सारा फ्रेंड है किसी के पास इस टाइप का खीर हमको नहीं मिला, वो लोग ऐसे बासुंदी बा डेंस मिल्क को डेंस करके खीर बनाते हैं, भाई इस टाइप का खीर नहीं होता है, एक अलग टाइप का, एवं ट्रेडिशनल बहुत अच्छा से बहुत नियम से मनाया जाता है, जो भगवान को भी खीर चढ़ाया जाता है। ये शुगर पाउडर है क्योंकि ऑलरेडी राइस बॉयल हो गया है, शुगर पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड करें। अगर
शुगर पाउडर आप ऐड नहीं करना चाहते तो गुड़ से भी बनाते हैं, जगड़ी से भी बना सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स एंड टू बे लीव्स ऐड कर दिया, और देखने से ही इतना अच्छा लग रहा तो खाने में क्या होगा आप सोच सकते हैं ना। एकदम 50% डाउन हो गया, 50% कम हो गया, एकदम डेंस हो गया है। अभी धीरे धीरे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसको कहाँ रखेंगे आप जानते हैं, क्ले पॉट में रखने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा होगा। ऑलमोस्ट हो गया है, एकदम टाइट नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा मिल्क, डेंस मिल्क रहने से खाने में और भी मज़ा आता है। इसको जब तक खीर नहीं बन जाता है इसका सामने से हटना नहीं चाहिए, हमेशा इसको स्टार करना चाहिए और गैस को अप एंड डाउन करना चाहिए, फिर एक एक चीज़ को राइस को हमेशा मिक्सअप करना चाहिए। बस अभी इसको गैस फ्लेम बंद कर दिया, अभी क्ले पॉट को भी डेकोरेट कर लिया बर्थडे स्पेशल खीर। अभी क्ले पॉट में हल्का सा घी हम ग्रीस कर दिया है, इसमें थोड़ा सा कैरामल शुगर ऐड करेंगे तो कलर और भी अच्छा से आएगा। कैरामल शुगर को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स नीचे थोड़ा सा दे देंगे, अगर ड्राई फ्रूट्स ऊपर में रह जाता है तो ऊपर नीच दोनों में, अंदर में भी जाएगा, सब जगह में ड्राई फ्रूट्स हम स्प्रेड कर देते हैं। अभी देखिए इसको गरम गरम ही इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, इतना मिल्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी ये थिक हो जाएगा, ज़्यादा थिक हो जाने से खाने में मज़ा नहीं आता है। अभी इसको रैप करके फ्रिज में ठंड होने देंगे। ये बर्थडे स्पेशल खीर, किसी का भी बर्थडे हो इस टाइप का खीर बनाया जाता है। बर्थडे खीर को क्ले पॉट में रख के फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद उसको प्लेट में सर्व करेंगे वेजी फ्राइज के साथ, 11 या 5 या 3 और नंबर का फ्राइज आपको देना है। ये ट्रेडिशनल वे में बर्थडे सेलिब्रेशन, हम लोग प्लेट रेडी कर रही हूँ और विश भी करना है, एक माने जिसका बर्थडे है उसको ये करने के आरती करने के लिए हम लोग प्लेट सजाएंगे, उसमें चावल रहता है और टिक्का देने के लिए चंदन सिंदूर फिर दिया अगरबत्ती स्वीट पैसा सब कुछ रहता है। ये खीर प्लेट रेडी हो गया है वेजीज के साथ, और फिश भी है वो अलग से रखा गया है, उसको भी साथ में दिया जाएगा। ये परवल फ्राई हो रहा है, सब हम बटर में फ्राई करते हैं, एकदम कम ऑयल या कम बटर में आप लोग अच्छा से फ्राई करते हैं, बस फिश को थोड़ा सा अच्छा से फ्राई करना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऑयल दे के इसको फ्राई करिए। पॉम्फ्रेट फिश है ये, मेरे हबी को बहुत पसंद है तो इसके लिए जैसे उनके लिए भी फ्राई बना रही हूँ, फिर पूरा फैमिली के लिए भी अलग अलग से हम लोग फ्राइज बनाएंगे। तो फ्राइज एंड बर्थडे एवरीथिंग रेडी हो गया, अभी ट्रेडिशनल वे में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी देखिए कैसे हो रहा है, ये मेरी बेटी कर रहे हैं पापा का बर्थडे, क्योंकि मामी अभी गांव में है, मैंने अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं तो मम्मी अभी कलकत्ता में है तो पॉसिबल नहीं है उनका आना बेटा का बर्थडे में, इसलिए मेरी बेटी कर रही है, मैंने पापा का बेटी कर रहे हैं। हो गया, अभी खीर को सामने रखा गया है, ये भगवान को भोग दिया जाता है, उसके बाद प्रसाद का हिसाब से बर्थडे जिसका होता है उसको दिया जाता है, उसके साथ फैमिली का सब मेंबर्स एक साथ बैठ के ये ट्रेडिशनल वे में खीर खाते हैं। हो गया, अभी रात का सीन, रात में हम लोग बाहर नहीं गए थे,
होटल से ऑर्डर किए थे चारकोल ईट्स। वो बॉम्बे में अच्छा लगता है वो होटल माने रेस्टोरेंट का फूड, तो इसलिए डिफरेंट टाइप का कबाब्स बिरयानी जो जो पसंद था वो हम लोग ऑर्डर किए थे, और उसके साथ चकोलाबा केक भी था, कोल्ड ड्रिंक्स था। और बस दिन भर में इतना खाना भी पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी एक फेस्टिवल पर बर्थडे स्पेशल डे में हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। तो हम लोग बर्थडे नेक्स्ट डे हम लोग होटल में सेलिब्रेट करेंगे, तो जिसका बर्थडे है वो अब फैमिली को ट्रीट देगा, तो हम लोग कल होटल में जाके एंजॉय करेंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सेफ अचुना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल बटन के साथ।